तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन, बिहेवियर फंक्शन। तो कुछ बिहेवियर फंक्शन जिसका लिस्ट हमने आपको दिया था, ये बात कर लेते हैं। कुछ बिहेवियर फंक्शंस के बारे में चलिए बात करते हैं। उससे पहले भी प्रॉब्लम की बात डिस्कस करते हैं कि एक्सेल में हमारे पास क्या कि कुछ नंबर्स और डेटा है। यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं और फिर कुछ हमारे पास डेटा है। अभी इसका सीक्वेंस कुछ खास नहीं है, कभी पहले भी हो सकता है, फिर बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, कुछ पहले बीच में कुछ लास्ट में हो सकता है। ठीक है, तो मुझे इसमें सिर्फ नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है। वीवीए फंक्शन में दो फंक्शन होते हैं, एएससी एंड सीएचआर। बताया था आपको कि नहीं सर? मैंने बताया था एनसीएचआर। तो जैसे कि एएससी क्या क्या करता है, जैसे हमने कोई कैरेक्टर लिखा तो उसका कोड बताता है क्या है, इसको स्काई वैल्यू बोलते हैं। और सीएचआर क्या करता है, कोड फॉर्मूला होता है, कैर फॉर्मूला होता है, वो आप कन्वर्ट करता है। इसकी मदद से क्या करेंगे हम, तो हम करने वाले हैं कि इसके अंदर ए से लेकर जेड तक जितने भी डेटा है सबको हम ब्लैंक से रिप्लेस कर दें, समझे। ए से लेके जेड तक जितने भी डेटा है उस सबको हम ब्लैंक से रिप्लेस कर देंगे। जब ब्लैंक से रिप्लेस हो जाएगा तो बच्चे का नंबर, कैरेक्टर हट जाएगा तो क्या बचेगा, नंबर बचेगा। तो मुझे पता करना है कि ए का कोड, ए से लेके जेड तक का सीक्वेंस माने कि जो स्काई वैल्यू है उसका क्या लिस्ट है। तो चलिए हम इस रिजल्ट पे जाते हैं और यहाँ स्काई वैल्यू का टेबल दिख जाएगा। फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड इंटरचेंज, सॉरी। हमने देखा हाँ हाँ 32 से हमारा स्टार्ट है करेक्टर, बाकी स्पेशल करेक्टर है और हमारा जो एबीसीडी है वो स्टार्ट है 64 से। एक काम कर देते हैं, ये 58 से शुरू करते हैं, 58 से लेके 127 तक जितनी भी वैल्यू है उसको हम रीड कर देते हैं, समझे। मतलब कि हम इस तरह से लगाना चाहते हैं कि सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट में हमने इसको सिलेक्ट किया कैर 58, क्या करना है तो ब्लैंक करना है। इसमें वापस कैर तो सब्स्टिट्यूट, एक काम मैं बीबीए के थ्रू करना चाहता हूं कि एबीसीडी ए से लेकर जेड तक पूरा वन बाय वन हम रिप्लेस करेंगे। तो चलिए हम बीबीए एक फंक्शन लगाते हैं, इंसर्ट मॉड्यूल और यहां पे देते हैं फंक्शन रिमूव ऑल करेक्टर एंड एक्सेस लिस्टिंग कर। यहां पे लूप लगाएंगे कि 4i=2 चलेगा 58 और 2 127। उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं dim r as a string, क्योंकि string पे बात हो रही है इसलिए string। और यहाँ पे
आर इक्वल टू रिप्लेस रिप्लेस आर के अंदर क्या है तो सी एच आर आई क्या करना है तो ब्लैंक और यहां पे हम क्या करते हैं आर इक्वल टू एन कर देते हैं ये तो लोड हो गया एन रिजल्ट आर पे है और मैं इसको कर देता हूं एज ए डबल लॉन्ग कर देता हूं और यहां फिर आर आर इक्वल टू यहां पे है इसको हम अप्लाई करते हैं अपने रिजल्ट पे इक्वल आर ए डब्ल्यू स्टेक हुआ क्लियर है चाहे जी देवेंद्र जी कोई डाउट ठीक है सर अब इसमें अगला फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो इसी तरह से बाकी फंक्शंस भी हैं आप उसको देख लीजिएगा ठीक है डेट डेट फंक्शंस में भी आप देख रहे हैं तो आपका जो नॉर्मल जो एक्सेल के फॉर्मूले है वही है इसमें इसमें एक चीज और है देखिए एंड वही मैं बताया केस भी बता चुका हूं फोर भी बता चुका हूं मैं लूप फॉर लूप इफ भी बता रखा हूं और भी है इसमें एक है आपका स्विच स्विच फॉर्मूला के बारे में एक बार जान लीजिए चूज एंड स्विच दो चीज फॉर्मूले हैं चूज एंड तो जैसे कि इफ फॉर्मूला आप लगाते हैं तो इफ फॉर्मूला में से आपको आर दस कैटेगरी है तो आर दस आपको लेना होता है इफ बट इसमें क्या है कि एक ही स्विच के अंदर में कई सारे कंडीशन आप दे सकते हैं जैसे कि यहां पे देखिए कि सप्लायर सप्लायर आईडी वन हुआ तो आईबीएम होगा सप्लायर आईडी टू हुआ तो एचपी होगा सप्लायर आईडी तीन हुआ तो एक एनवीडिया होगा ऐसे आप अपनी देते जाएंगे वो स्विच करता जाएगा चूज चूज जैसे किया था चूज में क्या था कई सारे रिजल्ट होते थे लेकिन कंडीशन एक ही होता था इंडेक्स नंबर बट इसमें क्या है कि कई सारे कंडीशंस दे सकते हैं ये इसको समझाना पड़ेगा बताना पड़ेगा कि समझ में आ गया आपको जाहिर जी जय जी हेलो देवेंद्र जी जी सर तो समझ में आ गया ठीक है सर बताना नहीं पड़ेगा चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें अब यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन फॉर्मूला है देखिए इज डेट डेट हुआ तो ट्रू देगा इज एम्प्टी ब्लैंक हुआ इज एरर इज नल ऐसे इज इसका यूज हम आपको यूजर फॉर्म में बताएंगे लेकिन इसमें एक एनवायर है इस फॉर्मूले का आप कर सकते हैं इसका अच्छा खासा यूज होता है एनवायर क्या करता है कि आपका तीन रिजल्ट देता है पहला रिजल्ट देता है कि अगर आपने इसमें वन किया तो आपका ये देगा कि आपका डिफॉल्ट तीन चीजें इसमें देती है एक से पांच होता है माफ कीजिएगा तीन नहीं एक से पांच होता है एक से पांच में पहले में यहाँ पे आपका ये देता है या प्रोफाइल दे सकते हैं कि प्रोफाइल हो गया या ऐप डेटा हो गया कॉमन फाइल का लोकेशन क्या हो गया ये चीज देते हैं जैसे मान लीजिए कि आपको फाइल सेव करना है ठीक है तो डेस्कटॉप करोगे तो डेस्कटॉप आ जाता है तो इसलिए दिक्कत क्या होता है कि अगर आपको मान लीजिए किसी का फाइल सेव करना है आप चाहते हैं कि उसके डेस्कटॉप पे सेव होना चाहिए या उसके माई डॉक्यूमेंट में सेव होना चाहिए तो पास कैसे पता हर किसी का अलग अलग है ना
क्या बोल रहे हैं? जी सर, जी सर। हमने यहाँ पे कोड दिया एक्टिव वर्क टू सेवर्स। अब यहाँ पे पाथ क्या है? हम पाथ नहीं डालेंगे तो वो जो ही बुक वन, बुक टू, बुक थ्री जो भी है उसी के नाम से सेव हो जाएगा। लेकिन मुझे अपना एक नाम देना है कि भाई फलाना नाम होना चाहिए। ऐसा अगर हमने किया हुआ है तो क्या होगा? ऐसा अगर किया हुआ है तो क्या होगा कि आपको पाथ देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो पाथ तो मुझे पता नहीं, तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप यहां पे ए ले लीजिए, ए फंक्शन जो है आपका, ए फंक्शन आप ले लीजिएगा। जैसे कि हमने कर दिया करेंट ड्राइवर, तो ये आपका पूरा का पूरा पाथ दे देगा कि अभी फिलहाल में आपका एक्सेल, मतलब कि यहां होता है ना आपके फाइल के अंदर एक्सेल ऑप्शन में, यहाँ सेव में जो आपने डिफॉल्ट यहाँ जो पाथ सेव कर, माय डॉक्यूमेंट ही होता है, तो कुछ लोग चेंज कर देते हैं, ये पूरा पाथ आ जाए। हर सिस्टम का अलग अलग पाथ होता है। तो यहाँ पे हम कोड कर सकते हैं सी यू आर डी आई आर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके साथ हम यहाँ पे स्लैश को देंगे और फिर अपना फाइल सर, क्या बोल रहे? मेरे को रिकॉर्ड अलाउ कीजिए सर। रिकॉर्डिंग का परमिशन चाहिए किसी को? हाँ जी सर, मेरा नेट क्या था आपको? मैंने हाँ ठीक है, फाइल में बात कर दीजिएगा तो आपके सेव हो जाएगा। क्योंकि आप अपने लिए बना रहे हैं इसलिए आपको पता है कि ड्राइव है, लेकिन ये कई सारे पीसी पे जाएगा, कई सारे लोगों के पास जाएगा, तो पता नहीं रहेगा ना, इसलिए इस फीचर्स का यूज हमने किया। ठीक है। हेलो, हाँ पूछिए। हेलो सर, कई सारे पीसीज पे जाएगा, मतलब फॉर एग्जांपल हम कहीं पे वर्क भेज रहे हैं तो ये मान लीजिए ना, आपने एक माइक्रो बनाया, वो माइक्रो का डेटा को फिल्टर, आप डेटा को फिल्टर करके उसकी उसकी फाइल को कॉपी करके एक फाइल में डाल के सेव करना। यानी मान लीजिए मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है, तो फॉर्म जैसे कि इनकम टैक्स का होता है ना, जैसे आप अपना सब भर और क्लिक करते थे तो एक्सेल इसमें एक्सएमएल फाइल में सेव कर देता था। दो ऑप्शन है कि आपने एक फाइल फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को भर देता है तो फिर वो सेव करते उसका डेटा मेल हो जाता है और उस डेटा को सेव कर देता है एक एक्सेल फाइल में, फॉर्म के अंदर नहीं, बाहर किसी एक्सेल फाइल। तो किसी एक्सेल फाइल में चलो क्रिएट करके कॉपी पेस्ट कर तो देगा, लेकिन उस फाइल कैसे करेगा? क्योंकि सेव करने के लिए चाहिए लोकेशन जी, सिस्टम का लोकेशन अलग। मान लीजिए कि आप डी ड्राइव कर दिए तो हो सकता है कि मेरे पीसी में डी ड्राइव है ही नहीं। डी ड्राइव दिख रहा है आपको हमारे पीसी में? जी तो डीवीडी का हो गया, तो ये तो एक्सेल नहीं है ना जी। तो ऐसे किसी के सी होता है, किसी के सी की जगह पे ई होता है, तो इस तरह से ड्राइव्स होते नहीं है। तो वहां पे क्या करेंगे, समझ गए? ओके, मैं क्या बोलना चाहूँ समझ में आया कि नहीं? माई डॉक्यूमेंट की बात करें तो किसी का अब क्या होता है कि हर किसी का यूजर अलग अलग होता है ना। जैसे कि मेरा यूजर था तो डेल मिला के सेव हुआ जी। तो ऐसे अलग अलग सिस्टम के अलग अलग यूजर्स होते हैं। तो सर मान लो हमने कहीं फाइल भेजी और उसकी लोकेशन अगर मान लो अलग उसने सेव की हुई है माई डॉक्यूमेंट्स के से अलावा, तो फिर ये उसके सिस्टम में माय डॉक्यूमेंट में जाके ही से सेव होगा, चाहे वो कितना भी उसको करे। इसलिए तो बोला क्योंकि माय डॉक्यूमेंट का पाथ हर किसी का अलग अलग होता है ना। आप देखिए उनका पाथ क्या है, देखिए क्या होता है माय डॉक्यूमेंट
पांच बोलता है, सी ड्राइव हो सकता है पास आपका विंडो सी में ना ई में हो यूजर्स। अब आपका यूजर का नाम जरूरी थोड़ी कि डेल होगा आपका जी, समझे। तो हर किसी के जो जो पाथ आप दे रहे हैं, सिंपल से बात समझिए ना कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक्टिव वर्ड डॉट सेव एज, और यहाँ पे मैं मान लीजिए डी ड्राइव में 1 2 3 डी ड्राइव में 1 2 3 स्लैश बुक डॉट कर दिया। ये तो मेरे सिस्टम पे चल जाएगी क्योंकि मेरे पास डी ड्राइव है, मेरे ई ड्राइव है, सॉरी ई ड्राइव है हमारे पास 1 2 3 फोल्डर। क्या आपके पास ई ड्राइव है और ई ड्राइव के अंदर 1 2 3 फोल्डर है? नहीं, तो आपके पास सिस्टम नहीं चलेगा, कोई उसको पाथ सेव करने का पाथ ही नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं ऐसा एक फाइल बनाना जो हर किसी के पास सेव हो जाए। सेव कहां हो? तो उसके डिफॉल्ट इसमें फॉर्मेट में, उसके डिफॉल्ट सेव में, मतलब कि जो इसका सिस्टम बाय डिफॉल्ट जो फाइल जहां सेव करता है, बाय डिफॉल्ट फाइल कहां सेव करता है? तो यहां पे माय डॉक्यूमेंट, माय डॉक्यूमेंट होगा, कोई किसी का माय डॉक्यूमेंट होगा, किसी का डेस्कटॉप होगा, किसी का डी ड्राइव सी ड्राइव होगा, वो कुछ लोग चेंज कर लेते हैं, डिफॉल्ट तो माय डॉक्यूमेंट ही होता है। ओके, ओके 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 ओके। अगर मान लो किसी ने वहां पे जाके सेटिंग जाके लोकेशन चेंज की होगी तो जो उसकी डिफॉल्ट है वो वहीं जाके सेव होगा, राइट? हां, जो उसने सेटिंग चेंज की है उसी पे जाके सेव होगा। ओके ओके ठीक। तो इसलिए हम ये chdir का यूज करते हैं और इसी के लिए हम इनवायर का भी यूज करते हैं। इनवायर फॉर्मूला में बताया था वो भी इसी के लिए। इसके पास कई सारे ऑप्शंस हैं कि ये आपका जो है यहाँ पे प्रोफाइल कि आपका ये प्रोग्राम का रखा हुआ है या आपका प्रोग्राम का डेटा जैसे रोबिंग डेटा होता है ना ऐप डेटा में जाके वो क्या है, कॉमन फाइल क्या है, ये बता देता है आपको। तो इसके कई सारे नंबर है, मैं एक बार एक काम करता हूँ ना सारा यहाँ पे टाइप करवा देता हूँ लूप में, यहाँ पे देता हूँ कि 4i = चले 1 5 5 भी होता है और हम यहाँ पे देते हैं रेंज 65,000 से 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू एन वाई ये ना जी सर ये है एन वाई वी आया हाँ जी वाई इसमें हम आई दे देते हैं ठीक है। पहला मैं प्रोग्राम डेटा दिया, फिर ये ऐप डेटा दिया, एक कॉमन फाइल दिया, प्रोग्राम फाइल दिया एंड ये चार चीज दिया मैंने। डिफॉल्ट जो होता है जो पता चलता है, लेकिन इसमें एक चीज और भी है, इसको थोड़ा सा हम डॉलर दे दे यहाँ पे डॉलर साइन लगा देते हैं और इसमें हम फिर लिख सकते हैं जैसे यहां दे दिया यूजर नेम ठीक है, यूजर नेम से डेल दे दिया, लॉगिन आईडी होता है ऐसे। मैं यहां पे देता हूं और
कंप्यूटर में नहीं होता है हमारा कंप्यूटर नेम दे दिया समझे ओके जैसे मान लीजिए कि आपको एक इवेंट मारना है कि भाई आपकी एक फाइल है वो फाइल एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पे ही रन होना चाहिए ठीक है ओके किसी और पे नहीं होना चाहिए किसी यूजर एक यूजर पर हम लोगों के क्या था कि ऑफिस में डोमेन सिस्टम था ठीक है सेंट्रलाइज था वो हम लोग अपना यूजर आईडी डालते थे और लॉगिन करते थे आप लोग ऐसे ही करते होंगे ऑफिस में यस सर तो होता क्या था कि हम लोग फाइल बनाते थे उसमें हम लोगों का एक पेमेंट शेड्यूलर था उसमें कमीशन डले हुए कमीशन कैलकुलेट होती थी माफ कीजिएगा उसमें हाँ, तो क्या होता था हर किसी का कमीशन कैलकुलेट करने का रेट अलग अलग तो बॉस ने बोला कि भाई तू सुजीत तू नहीं रहेगा तो मैं किसी और से काम कर पाऊंगा अब कोई और काम करेगा तो वो अपना कैलकुलेशन देख लेगा तो पता चलेगा कि भाई उसकी किसी और की कमीशन कुछ और है किसी और की कमीशन कुछ और है सैलरी कैलकुलेशन सैलरी अकॉर्डिंग होती थी तो कमीशन कैलकुलेट करके जाता था तो सैलरी अच्छी से बनती थी दोनों थर्ड पार्टी पे थे ना यहाँ तो ये तो यहाँ मतलब की विद्रोह छिड़ जाएगा ना कि मैं क्लाइंट से पैसा किसी के लिए 15,000 लेता हूँ किसी को देता हूँ 7,000 तो सीधे कहेगा भाई मैं क्लाइंट का बिल आप कर रहे हो 15,000 मुझे दे रहे हो 5-7,000 रुपये तो कुछ ऐसा करो कि ये फाइल जो है एक पर्टिकुलर आईपी पे ही चल पाए या किसी पर्टिकुलर पीसी पे चल पाए तो हमने इसी का यूज किया था कंप्यूटर नेम दे देंगे तो कंप्यूटर नेम आएगा यूजर नेम दे देंगे तो आपका यूजर नेम आएगा आपको डॉलर लगाना है समझ गए तो चलिए एक इसमें इस लिस्ट में एक फॉर्मूला है इसमें बाकी ये फॉर्मूला तो चेंज क्या है छोड़िए यहाँ पे हाँ ये फॉर्मूला है इसलिए इसकी बात बात करते हैं तो इसमें आपका फाइल डेट एंड टाइम जो कि फाइल की ये बताता है कि कौन सा फाइल कब क्रिएट हुआ था ठीक है फाइल नेम है ये बताता है कि फाइल की साइज बाइट में कितनी है और गेट एट्रीब्यूट इसको ATR है गेट एट्रीब्यूट है ये फॉर्मूला क्या करता है ये बताता है आपको कि आपकी जो फाइल है वो फाइल का टाइप क्या है मतलब वो रीड ओनली तो नहीं है जैसे कि अगर नॉर्मल हुआ तो 0 देगा रीड ओनली हुआ तो 1 देगा हीरियम हुआ तो 2 देगा इस तरह से देखिए इसने डॉक किया है तो 0 दिया है मतलब ये रीड ओनली है रीड ओनली है अब इसने क्या बोलते हैं नॉर्मल है और 1 दिया रीड ओनली फाइल में जैसे मान लीजिए कि आप किसी आप एक मैक्रो बना रहे हैं वो क्या करती है कि किसी फाइल को किसी और सिस्टम पे नेटवर्क पास में किसी और की फाइल को ओपन करके उसमें कुछ डेटा डालती है अगर मान लीजिए कि वो फाइल उसने ओपन कर रखी है तो क्या जाहिद जी जी तो आप गेट एट्रीब्यूट से पहले चेक कर लीजिए कि उसकी फाइल का गेट एट्रीब्यूट 0 होना चाहिए अगर उसकी गेट एट्रीब्यूट 1 है तो वो फाइल को क्लोज ओपन ना करे समझे वन है मतलब कि रीड ओनली है यूज हमने क्या किया था कि हमने एक फॉर्म बनाया था ठीक है सर जी सर और उस एक हमने हर दिन क्या करते थे कि हमारे इससे स्टाफ से एक प्रोक्टिविटी लेते थे कि दिन भर में उसने क्या क्या किया है तो वो मैं सबको मैं एक फॉर्म दे रखा था और एक नेटवर्क ड्राइव में एक पीसी में वो 1 हमने डाल दिया था
ये फाइल डाल दिया था, डेटा फाइल, जैसे हमने आपको बताया था ना शुरुआत में, सेंड डेटा एक सीट से दूसरे सीट, एक फाइल से दूसरे फाइल पे डेटा कैसे बटन में क्लिक करते जाता है, वही सिस्टम। उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि मेरे पास तकरीबन जो था 150 स्टाफ थे और शाम के टाइम में वो पेस्ट करते थे डेटा का फॉर्म भर देते। अब एक ही बार किसी ने एक ही टाइम पे एक ही बार दो बंदे ने बटन पे क्लिक से सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया तो ये फाइल दो के पास, एक के पास खुलेगी, के पास रीड ओनली में दिखाएगा, क्या सर जी? तो वही हम सेट कर दिया कि भाई गेट एट्रीब्यूट अगर वन है, मतलब कि रीड ओनली है, मतलब कहीं पे फाइल खुली हुई है, तो फिर उसको बोलो प्लीज रिट्राई। तो रिट्राई पे क्लिक करता था, अगेन क्लिक करता था, फिर अगेन चेक करता था, तो रिट्राई 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 करता था। जब फाइल जब खुले हुए नहीं होते थे, उसका बारी आता था तो वो जाके तो आप इसमें क्या करना है कि एक फोल्डर है राइट सर, एक फोल्डर में कई सारे फाइल्स है, क्या होता है कि एक मैक्रो लगा हुआ है जो कि डेटा को डाउनलोड करता है आउटलुक से, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि उसको पता नहीं कि आउटलुक से जो डेटा डाउनलोड हुआ है वो आज का डेटा है या कल का डेटा, क्योंकि नाम सबका सेम होता है या नाम कुछ भी होता है, कुछ भी नाम हो सकता है। तो उसका क्या नाम है कि जो सबसे लेटेस्ट फाइल है वो मेरा आज का डेटा है, ठीक है? तो सबसे लेटेस्ट फाइल को आपको ढूंढना है, एक माइक्रो बनाइए जो किसी फोल्डर के अंदर सबसे लेटेस्ट फाइल का नाम दे, प्रिंट करे, ये आपका आज का होमवर्क है। तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे। हेलो, हाँ बोलिए सर, एक बार ये बताओगे क्या आप, एक बार जो इन्वायरमेंट का जो यूज है, जब आपने बताया कि मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ फाइल इसी सिस्टम पे मतलब ओपन हो सके या यूज हो सके, तो उसको कैसे यूज करेंगे सर? किस बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट का? यस सर। तो सर यूजर नेम दे देगा आपको यहाँ पे, इसलिए यूजर नेम दे दिया, इन्वायरमेंट मान लीजिए कंप्यूटर का नेम दे दिया, तो इफ कंडीशन लगा लीजिए इसमें, ओपन में, दिस वर्कबुक में, समझे? दिस वर्कबुक में आप दे दें, इसी एग्जांपल में कल आपको बता दूंगा, ठीक है? आप ट्राई कीजिए तो कल बता दूंगा। सर मुझे इसके बाद रिकॉर्डिंग शेयर कर दोगे प्लीज? ठीक है, थोड़ा सिस्टम में दिक्कत आ रही है। ठीक है, कल ओके ओके बाय।